द लॉर्ड द लेजेंड द सेंसेशन पुनीत सुपरस्टार। क्या क्या मेरे यूट्यूब के चैनल वाले आजकल के भिगाड़ी से पड़े बिग मंगे चप्पल। तो ट्रिगर भाई, ये मेरा 25वां पॉडकास्ट है, तो 26वां आपके साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ा कुछ कहना चाहोगे मेरे बारे में? कुछ थोड़ा तारीफ सुनना चाहूंगा मैं आपके। आजकल के नल्ले बेरोजगार सुपरस्टार अपने आप को पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करते रहते ताकि बड़े बड़े कोटी बंगले वाले को लगे कि ये भी कोई कोटी बंगले वाले हैं। तो भाई, आपने ये सोचा था कि मेरे जैसा वर्ल्ड फेमस बंदा आपके साथ बैठने के लिए तैयार होगा, आप जैसी शक्ल वाले के साथ, आप जैसे चेहरे के साथ? आपने कैसे सोच लिया? बिल्कुल कभी नहीं। तो फिर क्या राज है जो मैं आपके साथ बैठा हूँ? ये भी बता दो भाई, कुछ आजकल के छपरी जो है ऐसी शक्ल लेके बैठ जाते हैं पॉडकास्ट बनाने, और इनको लगता है कि बड़े बड़े कोटी बंगले वाले के सामने पॉडकास्ट करेंगे ताकि इनको भी लगे कि बड़े बड़े कोटी बंगले वाले हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। लेकिन सच में यार, ट्रिगर भाई से पहली बार मिला हूँ, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत मजा आ गया। लेकिन दोस्तों, ये बोलने के लिए इन्होंने मेरे से 500 रुपए लिए थे। तो ट्रिगर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे दिख रहा है ना ऊपर, आपने भी सोचा था कि आपको मेरे जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा। पहले दादर से था, दादर से साहब नहीं है ओके, दादर से गुरु जोड़ते हैं। आपने पिन लगा दिया था, पानी बहुत है। एक बार टिप में देखिए, आई बोल रहा हूँ सॉरी दोस्तों, भाई की जो है भाई के दांतों में थोड़ी सी पिन नजर आ रही है, इसलिए भाई के दांत में दिखा रहा है। लेकिन क्रिकेट भाई बहुत अच्छे इंसान है, तो भाई के साथ पॉडकास्ट करने वाला है। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट कॉलोनियां है, अगर ऐसे छोटे लंबे बाल वाले चोर जैसी शक्ल के लड़के आपको कहीं पर भी नजर आए, तो ज्यादा मत करें, 100 नंबर पे कॉल करके ऐसे लड़कों को बंद करा दे भाई। एक बार बाल दिखा दो जरा हमें, एक बार बाल दिखा दो छपरियों वाले। राजू राजू भाई, एक बार बाल दिखा दो, दिखा रहा भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू।